हेलो गाइस, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं व्लॉगिंग का। यहाँ पे तीन लोग हैं हम, और कैमरा क्वालिटी भी देखो तो काफ़ी सही चल रही है। अभी देखते हैं कैसा रहता है। अभी अभी स्टार्ट किया है, ऑलरेडी लगभग ये लोग 2 किलोमीटर चल के आ चुके हैं और चले हैं एक नई राह में। तो जैसे कुछ अपडेट रहता है आपको बताते हैं। दोबारा हम यहाँ पे स्पॉट पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे पहला स्पॉट हमारा ये रहा टंकी। थोड़ा बहुत थकान लग रही है, और दोस्तों हमारा पहला स्पॉट, आप व्यू का भी एंजॉय कर सकते हो। नॉन स्टॉप हवा चल रही है, तो चलिए चलते हैं। अभी भी हमारा जोश ठंडा नहीं हुआ है, कोशिश पूरी जारी है। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल भी है, यहाँ पे हमें स्टीयरिंग मिला है पुराने जहाज का। और यहाँ पे बहुत ही शानदार रास्ता हमें मिल चुका है, पेड़ों के काफी करीब है और प्रकृति का स्पर्श भी हमें महसूस हो रहा है। थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है क्योंकि अचानक से कुछ भी हो सकता है, जंगली जानवर भी यहाँ रहते हैं। और एक अजीब से यहाँ पे इधर कैसे पहुंची है, कोई अलग सी स्पीज हमें देखने को मिली है, और एक नया सा एक्सपीरियंस लेते हुए। मुझे बिल्कुल भी थक नहीं लगी। हवा का पूरी तरह से आनंद लेते हुए, अभी हम हवा के चपेट में नहीं आए पर हमें भी उसी की तलाश है। ओके, फाइनली हम डेस्टिनेशन नंबर 1 में पहुंच चुके हैं। बीच में थोड़ा गैप लिए, एक बार रुके थे, और हवा की आवाज़ ने भी हमें काफ़ी डरा दिया था। आपको शायद वहाँ पे दिख रहे होंगे पेड़ काफ़ी ज़्यादा हिल रहे हैं, उनकी डायरेक्शन ही वैसी हो गई है हवा की वजह से। चलिए दिखाता हूँ आपको। फाइनली ये हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है। ज़्यादा लोग यहाँ तक आते हैं, लेकिन हमने थोड़ा एडवांस लेवल के हैं, तो हम सोच रहे हैं थोड़ा ऊपर तक जाएंगे। अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ का भी पूरा कैप्चर करके आपके साथ शेयर किया जाएगा। पहले हम यहाँ पे चढ़ के देखते हैं कैसा व्यू मिलता है टंकी से। ये रांची का फील्ड है, कई लोगों ने रांची का फील्ड देखा होगा। मेरे हाथ हिल रहा है, हवा काफ़ी तेज चल रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़े भी उड़ चुके हैं। हवा का दबाव, ये ऊपर कोई ऑफिस है आई थिंक, इसी पानी के लिए जल निगम के लिए रिलेटेड ऑफिस है। जा रहे हैं अब, कहाँ जा रहे तू? ये उसने मुझसे पूछा कि ऐसा क्या है इन पहाड़ों में जो इतनी वरफ्तगी से इनको निहारते हो, इश्क हो गया है क्या तुम्हें इनसे? मैंने कहा मुझे इनसे इश्क हो गया ये तो मालूम नहीं, लेकिन इनकी वजह से मैं इश्क जरूर हो गया हूं। पोज़ देते हुए यहाँ पे मेरा दोस्त, अभी चलेंगे उधर भी। हमारी डेस्टिनेशन वो टॉप में है, ये हम सोच के आए हैं, कल ही हमने डिसाइड कर दिया था। थोड़ा बहुत खाने वाने का सामान है हमारे पास, रास्ता है। चलो देखते हैं, आज एक्सप्लोर करके देखेंगे कहाँ तक जाने देते हैं। चलो ठीक है गाइस, और यहाँ पर थोड़ा सा डेडली सा काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रिस्क है यहाँ पे, अंगूर नहीं गिरने चाहिए रे। तो गाइस यहाँ पे अभी हमने अंगूर खा लिए, भूख लगी है, उसने कहा अंगूर खाने, तो मैंने कहा खा ले अंगूर, इसको मैं बिस्ट इसको नहीं पता, चाची तेरे को नहीं पता।
अब उसको ऐसे ले जाने का पानी। सबको बता दे स्कीम, सबको स्कीम बता दे। थोड़ा लंच ब्रेक चल रहा है हमारा, छोटा अंगूर लाया, थोड़ा बहुत फ्रूट्स और भी लाया। नीचे पूरा बुरा से कैमरे में उतना अच्छा क्लियर कवर नहीं हो रहा। ओके गाइस, तो हमें भूख लगी। ओके गाइस, तो हमें भूख लगी है गाइस। पीयूष ने बोला उसे भूख लगी है। पीयूष ने बोला भूख लगी है इसलिए मैं अंगूर खा रहा हूं। ओके, मिलते हैं आपको अगली डेस्टिनेशन में। पुरानी गली टंकी आया है जिसमें 10 मिनट पहले बकेती कर रहे थे, वहाँ हमने अच्छे से मजे ले लिए। इस वाली में बाउंड्री भी नहीं है, थोड़ा रिस्की है, भारी है ना। ओके, नेक्स्ट डेस्टिनेशन मिलते हैं। और यहाँ पे हमें ऑफिस मिला है, प्रॉपर कंडीशन, हॉन्टेड है, आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा जिप्सी आ रही है। बीच में दरवाज़ा बंद हो रहा है तो वो थोड़ा डरासा दे रहा है। पहाड़ी में हमें कहते हैं झसका देना, झसका दे रहा है बीच में, अभी देखते हैं। और चुल तो थी यहाँ आने की, तो फाइनली तो पहुँच गया। ये है ना यहाँ से रास्ता, एक पार्टनर हमारा छुप गया यहाँ पे, जैसे पबजी में छुप जाते हैं वैसे। चलो वहाँ जाके बताते हैं आपको, अपडेट देते हैं। तो ये है, काफ़ी ज़्यादा पैसा और मेहनत लगी इन चीज़ों में, पर अभी पूरी तरह से ठप है। दरवाजा बंद हो गया तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। देखो दरवाज़ा अपने आप बाहर खुल रहा है, बंद हो रहा है, और आवाज़ें भी बहुत डरावनी आ रही हैं। चलिए देखते हैं अंदर कैसा रहता है, अभी तो डरावना सा लग रहा है।